आटा बचा हुआ है, उसमें जी एक अंडा रखा हुआ है। जी आटा खत्म जी गए जी। राशन क्या नहीं है? आपके खामद को फौत हुए कितना अरसा हो गया है? हमें उनको पांचवा साल लगा है। पाँच साल हो गए। कितने बेटे हैं मेरी माँ आपके? पाँच बेटे हैं। पाँच बेटे हैं जी। शादी शुदा है? जी हाँ शादी शुदा। बेटियाँ कितनी हैं? तीन बेटियाँ, एक दो शादी शुदा जी, एक ये जो हमारी बहन साथ बैठी हैं। एक मेरे साथ। अच्छा, तो फिर बेटे आपके साथ तामा नहीं करते? नहीं करते तामा। मकान की जरूरत है, मेरे को मकान मिला बने, कमरा मिला बने। अच्छा, बाल राशन पानी मेरे को मिला बने। मैं डिठी तड़ी नहीं। पांच बेटे हैं आपके, पांचों शादी शुदा हैं जी। तो क्या खाना आप खुद बनाती हैं? आपको राशन चाहिए? मैं आप खाना आप बनाती हूँ। अच्छा जी हाँ, मेरी बेटी थे। मैं ये बेटी आपके साथ होती है जी हाँ। असा कट्ठे माँ बेटू के साथ आप नहीं खाना बनाते ऐसे? बेटा नहीं 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 बनाते। तुम अपने भिरावां दे कठे कहीं रोटी खाते? नहीं, असी अम्मा दे कठे अपनी आंच बना दे वे जी। अच्छा, रोटी तो क्या जरूरत है आपको राशन की? राशन जरूरत है, मकान है, मेहरबानी। अच्छा, ये यही वाला कमरा है आपका? कमरा ही मिल बन जाए मेरा बच्चा। नहीं नहीं मेरी माँ, आप परेशान ना, आप हमें गुनाहगार ना करें, हाथ ना जोड़े हमारे आगे। अल्लाह पाक से ही आप मांगे, अल्लाह पाक ही देने वाले हैं। हम तो मेरी माँ एक जरिया जरिया बने हुए हैं। कोई कहीं ना कहानी मेरा बच्चा कोई साथ नहीं देता, हर कोई अपने बच्चा पूरा है। बात राशन पानी की जरूरत है, मैं मेहरबानी थी बने, मेरे को राशन पानी मिल जा बने। अच्छा, मकान चले सही हो गया। अच्छा ऐसे है बेटा जी। सो ये माँ जी का रूम है, और इस माँ जी की आप लोगों ने कहानी सुन ली है, तो आप ही आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी औलाद के लिए क्या ये दुआएं करें। हो दो वालिदैन होकर आठ बच्चों को पाल सकते हैं, जब बुढ़ापे में आठ बच्चे दो वालिदैन को नहीं पाल सकते, वो भी एक हैं, इनके हस्बैंड फौत हो गए हैं। आठ मिलकर एक को नहीं खिला सकते, लेकिन दो ने मिलकर आठ को पाला था, इतना बड़ा किया था। अल्लाह तो रहम फरमा, करम फरमा। सो ये माँ जी का रूम है, आइए आपको अंदर चलकर मैं दिखाता हूँ। ये कमरा है इनका, इतना कोई शापर वगैरह हमारे रहे हो सर्दी ना सी अंदर शापर हाली का नम देता है ने रिठे है। ए उते सर अच्छा, सामान वगैरह थारे थी पे थिया जी आए। अच्छा हां, ते खाना वगैरह थी बने दे तुसा जी? आ खाना थई बने ने। तो प्यारे व्यूअर्स, यही इनका किचन है, और यही ये इनका बेडरूम आप समझ लें, सारा कुछ समझ लें। जो आज आपकी नहीं सुनते ना जी, ये अम्मा पता ही गाल क्या है, सरेके दी मिसाल है के छिके दी भाजी है जी हां जी। जेडी रक्सन सुबह उहा चैसा, जेडी फसल लेने पन्ना वही कटेसन, वही कटेसन। ठीक है, परेशान न थी बुसा, ये तो अल्लाह पाक उते फैसले कराना लाए। अगर आज तो थारी कदर नहीं करेंदे तो उन दी औलाद क्या करे? औलाद ही ना कर है जी। इन चीज गुसा परेशान न कितना मजो, ये अल्लाह पाक जेडी ये थोको मुसीबत परेशानी दी खड़े ना आज। गुरबत गुरबत ना समझो मां, अस बड़े गरीब लोग रिठे हम। ए अल्लाह ड्रामे देख काटा कहानी रतो का हुआ जरा कोट में। So, ये मेरी माँ जी लेकर जा रही है। ये आटा बचा हुआ है, उसमें जी एक अंडा रखा हुआ है जी। आटा खत्म जी गए जी। राशन क्या नहीं है? जी राशन ही कहानी। अच्छा, ऐसी कहानी मेरे घर। सही है, अट्टा खत्म दिया बाउंड, बेटे कहना देसन रोटी वास्ते? रोटी वास्ते अट्टा देसन, दे लाख सन है तो रोटी पकाई बैठे सन, चार रोटी चार देसन जी। हाँ, अट्टा कहना देसन सौदे कहना घिना देसन ना, तो वो कपड़े जूते कहना घिना देसन? कोई ना, तू मैं लथे लहावे देने नु है लोकां दे पैन। ऐसी औलाद ना हो तो बेहतर है, कसम से औलाद होने के बावजूद जो वालिदैन ऐसा फील करें कि हमारी कोई औलाद नहीं है, तो ऐसी औलाद का फिर क्या फ़ायदा। अगर कोई ऐसा मेरा बहन भाई देख रहा है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी खिदमत करें, बुढ़ापे में उनकी ज़रूरत होती है। कद्दारी नहीं करें दे। अच्छा हाँ, कद्दारी नहीं करें। ना रोएं मेरी माँ, आप ना रोएं, अल्लाह पाक बेहतरी करने वाला है। कद्दार जो करें ना वाली आँखा ले दे, कच्चे नहीं कद्दार तो करें, कद्दारी नहीं करें। पहुँचुके कदर नहीं करते, नहीं करते। भी लिया।
लिया और इनके देख भी लिए। पांच बेटे हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। ऐसी औलाद का मर जाना ही बेहतर है जो अपने वालिदैन की कदर ना करे। वालिदैन बचपन में आठों को पाल सकते हैं, आठों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब इनको ज़रूरत होती है, अपने बच्चों की, अपने बेटों की ज़रूरत होती है, तो वही बेटे अगर कदर ना करें, ना पूछें कपड़े का, ना शूज़ का, ना कोई खाना वगैरह दें, तो एक माँ क्या उनके लिए दुआएं करेगी। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास ऐसे हालात देखा करें, ये ना सोचा करें कि उनके बेटे नौजवान हैं, ये देखा करें क्या उनके बेटे उनकी कदर करते हैं। अगर कदर नहीं करते, कुछ भी नहीं देते, तो प्लीज़ आप उनकी सपोर्ट किया करें, आप उनकी मदद किया करें।